इस वीडियो में मैं आपसे अमेजोन लिली प्लांट के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे कि ये अमेजोन का प्लांट है और ये यहाँ पे क्यों कैसे लगा हुआ, मतलब इसको जैसे कि हैबिटेट चाहिए होता है कि ये शेड में रहे, तो ये शेड में है क्योंकि अमेजोन में जितने भी फ्लावर्स होते हैं, जो ऑर्किड्स होते हैं और इस तरह के अमेजोन लिली, वो सब शेड के नीचे ही इनमें फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि जो वहाँ के, जैसा आप सभी को मालूम है, वहाँ एक बहुत ही घना जंगल है, उसकी वजह से जो सन रेज होती हैं वो ज़मीन तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। तो इन प्लांट्स वैसे ही अडेप्ट हो गए हैं कि इनको ज़्यादा सन रेज नहीं चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। और अगर हम लोग इसको जैसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे या फिर 1 से 2 घंटे की सनलाइट में, तो शायद ये सर्वाइव ना कर पाए क्योंकि ये उस एटमॉस्फेयर में रह नहीं पाएगा। और जैसा आप अभी देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक स्टेम है, तो इसमें 2 से 3 स्टेम आ जाती है कई बार, और इसमें टोटल 6 फ्लावर्स आएंगे, 3 अभी ब्लूम है और 3 अभी। और जैसा कि इस तरह के पौधों को, जैसा आप ऐसे नोटिस नहीं कर पाएंगे कि ये कितने प्लांट्स हैं, तो अगर इसको पूरा बाहर निकाल लिया जाए गमले से, तो इसमें टोटल 6 से लेकर 7 तक दूसरे प्लांट्स होंगे। जैसा एक ये नई लीव्स आ रही है, एक यहाँ पे है, और जैसा एक यहाँ पे नया प्लांट है ये वाला, तो इस तरह इसमें 6 प्लांट्स। और आपको मैं एक और अमेजोन का प्लांट दिखाना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, ये एक और अमेजोन का प्लांट है। दोस्तों इसका नाम मुझको नहीं मालूम है, अगर आप लोगों में से किसी को भी इस प्लांट का नाम मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं आई है, क्योंकि पहले ये हम लोग की ऊपर टेरेस पे लगा हुआ था, फिर हम लोग ने इसको नीचे ले आया, तो जब हम लोग ने इसको नीचे ले आया तो एकदम बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू लीव्स आने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग ने इसको नीचे ले आया। अगर इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो इस तरह का एक प्लांट और है, हम लोग उसको भी नीचे ही ला के कहीं पर प्लांट कर देंगे। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।